स्पीकर साहब की कोई तैयारी नहीं सी, स्पीकर साहब कंफ्यूज सी गए, असी क्या भी सानू जीरो आर दियो ही दियो, क्वेश्चन आर ता उड़ाता, बार बार बाजवा साहब खड़े हुए, फिर उठ के अडजर्न करके चले गए, क्योंकि उन्होंने बाजवा साहब नाल कमिटमेंट की सी। वैसे भी फर्ज बनता है कि साडा जीरो आर च असी बहुत अहम मुद्दे सन, लेकिन सरकार की प्लानिंग सी कि अज बहुत सारे मुद्दे ते ऑपोजिशन गल करेगी, ते इस करके उन्होंने साडा जीरो आर उड़ाता, जीरो आर उड़ाता। असी वार वार मंग की, असी ये भी कहा कि ऑपरेशन लॉटस दे विच असी हिस्सा लवांगे। अज मुद्दे की सन, एडा गंभीर मुद्दा है, मैं थोनू दसना चाहना है, अज दे अखबार च लगे है, अज दे अखबार च लगे है कि बठिंडा दे अंदर खालिस्तान दे दबारे नारे फेर कंधा ते लिखे गए है, और ये रोजाना की वारदात हो गई है। कोई कहता शहीदी दो, कोई कहता शहादत दो, इस तरह का माहौल पैदा होता जा रहा है। मैनू याद आ रही है मगरले साडे जिहड़ा 1982, 84, 86, 95 तक 15 साल असी पंजाब दे लोगों ने संताप हो गया है। अज फिर खालिस्तान दे नारे, और मैनू ये भी पता है कांग्रेस पार्टी ने 1992 दे अंदर आपकी जान दियां कुर्बानियां देके बाजवा साहब वर्गे लोगों ने, तमाम लोगों ने, जो कोई चुनाव नहीं लड़ता सी सारियां पार्टियां छड़ गईयां सन, सारियां पार्टियां बायकॉट कर गईयां सन अतवाद तो डरदियां नूं, माहौल खराब सी, लेकिन इन्हां लोगों ने, रंधावा साहब वर्गे परिवारों ने, इन्हां ने चुनाव लड़े तो दोबारा फिर गवर्नरी राज सी, इन्हां आम आदमी वालियां ने गवर्नर राज नहीं देखिया, वह इन्हां ने आपके पिंडे ते हटाया आपके परिवारों दीयां शहादतां देके, ते दोबारे फिर 95 दे विच दोबारे शांति स्थापित की। अज उरे ते असी गल करनी सी कि 1981 जिन्हां ने इंडियन एयरलाइंस हाईजैक किया होवे, गजिंदर सिंह वर्गे लोग, वह हुण शांति मार्च कढ़न, 29 सितंबर नूं हुशियारपुर विखे शांति मार्च कढ़िया गया, और अज जगह जगह ते रोजाना खालिस्तान की गल की जा रही है, शहादत की गल की जा रही है, अज जनेऊ धारियां बारे गल की जा रही है। असी इन्हां मुद्दियां ते चर्चा करनी सी, लेकिन सानू बेवस किया गया और ब्लैकमेल किया गया। अज तुसी वेख्या होना है असी नारे कट लाए, क्योंकि सानू माता जी का वास्ता दिता गया, क्योंकि माता जी स्पीकर साहब दे बैठे सन, सानू लग्या किसे दी मां दे अगे जदों किसे दे मुर्दाबाद का नारा लावांगे तां इह गल वाजब ते चंगी नहीं लगदी। असी फिर भी आपदे इन्हां भाईचारे का उस सिस्टम का ख्याल रखदे हां, लेकिन किसे नू कोई परवाह नहीं। अज गल करनी सी एक आईएएस ऑफिसर गुरकीरत पाल वर्गे लोग, जेड़ा एक ईमानदार ऑफिसर, जेड़ा जाके कहता चीफ सेक्रेटरी नूं कि मैं तुहाडे बेनामी काम नहीं कर सकता, मैं 200 दिनां 400 करोड़ रुपया एडवरटाइजमेंट ते नहीं खर्च सकता, ऑडिट रिपोर्ट आलियां नूं मैं की दसूंगा, की जवाब देऊंगा, जे ऐदां ही काम चलता रहा तां 730 करोड़ रुपया साल च खर्चना पैणा, घट्टो घट 3650 करोड़ रुपया 5 साल एडवरटाइजमेंट खर्चा जाऊगा। और गल करनी सी कि आईएएस ऑफिसर जवाब दे गया, और गल करनी सी सरपंच, हां साडा सरपंच भरा, मैं कल अमलोह जाके आया, पहला एक सरपंच साडा गुरप्रीत सिंह 13/7/2022 नूं सुसाइड कर गया, ते दूजे ने आ 4 दिन पहला ग्राम पंचायत इहदा नाम सी बलकार सिंह, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਮਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ FIR ਕਟਾਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ DGP ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ
12 दिन बाद याद आया भी एक ना सीगा लोगों को विखाने से पैर में कार्रवाई किने करनी है साहब ना ही नहीं देखे आया विजिलेंस दफ्तर च अगर कंप्लेंट ते ना लिखा हो इन्हों दो एमएलए ने भी अमित शाह का जा अनुराग ठाकुर का असी इस गल का चैलेंज करते हो कंप्लेंट दिखा दे ना ही नहीं देखे आया इत्थे आके जनता नूं बेवकूफ बनाया जा रहा है पंजाब की विधानसभा के लोगों नूं भी असी दो मंत्रियों के ना लिखे हैं बाकी इन्हां नूं किसी ने पैसे नहीं दे दे पर 100 करोड़ वाली गल सच्ची सी बाजवा साहब वो माजरा साहब नूं 100 करोड़ दिता जा रहा अमित शाह मेरा कोई पीएमओ च बंदा लग्या वह मैनूं कहिंदा अमित शाह माजरा साहब की वीडियो विखाए मोदी साहब नूं वह कहिंदे इहनूं 100 दिओ ये बंदा बड़ा दलेर है सो मेरे कहने का मतलब फालतू दियां गल्लां फालतू दियां गलत बयानबाजी पंजाब के लोगों का समा बर्बाद करना धोखेबाज है असी जो बोलते हैं कैमरा दूर कर दिता जाता है सो असी सरासर विरोध किया वॉकआउट किया हां अज थोड़ा जा लिहाज इस करके रखिया स्पीकर का क्योंकि साढ़े माता जी क्योंकि मां सब की एक बराबर है और इसे करके भाजपा साहब ने कहा साडे सत्कारयोग ताई जी बैठे इसे करके असी कोई स्पीकर मुर्दाबाद गुंगा स्पीकर मुर्दाबाद ये नहीं कह सके असी सारे कठे होके चुप चुपीते बाइकाट करके असी वापस आ गए साहब होशियारपुर की एक बड़ी मंदभागी घटना जी की वीडियो सामने आई है 8 साल के 10 साल के जवाक है टीके ला रहे हैं जी नशे दे ओदे करके बां सुज गई है ते हुण मतलब जगह भी नहीं बची कि वो टीके ला सकन ते उन्हां नूं भी जिहड़ा की है किसी तरीके की मदद पहला नहीं दित्ती जा रही थी जदों वीडियो आई है जदों अपने न्यूज़ ते चली है उस तो बाद ही ऑपरेशन जिहड़ा की है सरकार वल्लों भी मदद दित्ती बिल्कुल जी इह ड्रग्स दा परसों चौथे भी एक वीडियो आई सी 10 साल दे बच्चे दी ना केवल ड्रग्स हैल्थ सिस्टम वेख लो ये हैल्थ मॉडल की गल करदे सी लोग पहली वारी मैं वेख्या कि फर्श ते डिलीवरी करन वास्ते मजबूर हो गए लोग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ